मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम और जय मसीह की। परमेश्वर पिता इस नए वर्ष में आपको और आपके परिवार को खुदा चंगाई दे, छुटकारा दे और सब प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर आजाद करे। मेरे प्रियो, आइए इस संध्याकालीन के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, बड़ाई करें, जय जयकार करें। मेरे प्रियो, उसके प्रेम के लिए उसका धन्यवाद करें, उसके उपकारों के लिए उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने पूरे दिन भर मुझे और आपको बचाया है। उसने मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को सुना है और रक्षा किया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, अपने बिस्तर में जाने से पहले खुदा का आदर करें, पिता का आदर करें, उस महिमा में परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने मुझसे और आपसे बहुत प्रेम किया। उस खुदा का धन्यवाद करें जो हमारी हर पल, हर घड़ी, हर क्षण रक्षा करता है, बचाता है शैतान की योजनाओं से, अंधकार की शक्तियों से, शैतान की शक्तियों से। वो मेरी और आपकी रक्षा करता है। मेरे प्रियो, उसने हमारे प्राणों को नष्ट होने से, हमारी आंखों को आंसू बहाने से और हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, इस बात का धन्यवाद करें कि हम जिंदा हैं। हम इस बात का धन्यवाद करें कि प्रभु की दया, प्रभु की करुणा प्रतिभोर नहीं होती जाती है और वह मुझसे और आपको हर खतरों से, मुसीबतों से, पाप और अपराध से बचाता है। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसका आदर करें, क्योंकि वह योग्य है, वह महिमा के योग्य है, वह स्तुति के योग्य है, वह प्रशंसा के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रभु का धन्यवाद करें, मेरे पिता का धन्यवाद करें। मेरे प्रिय, हम में से हर एक जन घर से बाहर निकलकर जॉब करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग खेतीबाड़ी का काम करते हैं और परमेश्वर पिता उनमें जाने में सहायता और मदद करता है। वहां पर काम करने के लिए वो मदद करता है और सुरक्षित अपने घर में लेकर आता है। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। सचमुच में मेरे प्रिय, जब हम दुनिया में देखते हैं कई लोग घर से बाहर निकलते ही नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर से जिंदा होकर वो अपने घर में नहीं आते। मेरे प्रियो, लेकिन मैं और आप घर से बाहर निकलते हैं और परमेश्वर मेरी और आपकी रक्षा करता है, कामों में भी सहायता करता है और फिर से घर में वो जिंदा लेकर आता। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उस महान और जीवित खुदा का धन्यवाद करें, उस महान और पवित्र खुदा का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खमाबा रशिखा नाला राबा राबा नाला राथी नाला रादा दाबा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, यदि आप में से कोई बीमार है, तकलीफ में है, टेंशन में है, चिंताओं में है, तो मैं आपको यह दिलाना चाहता हूं, प्रभु का वचन सामर्थ्य है, प्रभु का वचन जिंदा है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पिता के वचन में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे कई लोग रहते थे चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, आशीष पाने के लिए। उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने, जो मुर्दा थे उन्हें जिलाया, जो गंभीर हालत में थे उनको उठाकर खड़ा किया, उनके विश्वास के अनुसार उन्हें चंगाई दिया। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं एक स्त्री थी जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग था और एक छोटी सी बच्ची थी जो मरने पर थी, एक जवान बेटा था जो विधवा औरत थी, उसका बेटा मर चुका था, प्रभु ने उसको, उस आरती को छुआ और उसको चंगाई दिया। उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के कपड़े के छोर को छुआ और चंगा हो गई। उस जवान बेटी को प्रभु ने छुआ और उसी घड़ी चंगाई को प्राप्त किया। उस अंधे तिमाई के पुत्र बर्तिमाई को प्रभु यीशु मसीह ने छुआ, उसी घड़ी चंगाई को प्राप्त किया। मेरे प्रियो, ऐसे कई चमत्कार हैं जो प्रभु ने किया और उनके विश्वास के अनुसार किया। यदि मुझ में और आप में विश्वास है, प्रभु आपको चंगाई देगा और प्रभु यीशु मसीह
सामर्थ्य और जीवित है, उसका हर एक वचन सामर्थ्य है। मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर यहोवा कहता है, यर्मिया की पुस्तक में लेकर जाना चाहता हूं मेरे प्रियो, यर्मिया भविष्यवक्ता की पुस्तक 30 उसके 17 पद में से लिखा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, और यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। जब आप यर्मिया भविष्यवक्ता 30 को पढ़ेंगे आपको यह वचन मिलेगा मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है। जो उसके करीब जाता है उसको वो छंगाई देता है, उसको वो अभिषेक से भरता है, उसको आशीषों से भरता है। मेरे प्रियो, प्रभु के पास जाने वाले कभी भी खाली हाथ लौट कर नहीं आते हैं, इस बात को जरूर याद रखना मेरे प्रियो। जिन्होंने भी प्रभु के पास गए वो आशीष और चंगाई और छुटकारों को लेकर आए। जो प्रभु पर विश्वास किया उन्होंने आशीष को प्राप्त किया। मेरे प्रिय, यदि आप में से कोई बीमार है, या आपका बच्चे, आपके परिवार, आपके सदस्य, जो भी बीमार है, तकलीफ है, प्रभु के करीब लेकर आइए। एक घर में सभा चल रही होती है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का वचन सुना रहे होते हैं, और एक जो बहुत ही ज्यादा बीमार व्यक्ति था, जिन्हें चार लोगों ने खाट पर लेकर आए, और लिखा है कि उस घर में वो अंदर जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, उन्होंने खपरेल को हटा दिया, उस छत को हटाकर वहां पर उसे लटका दिया, और प्रभु ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हो सकता है गंभीर हालत में होंगे, लेकिन मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु के करीब लेकर आइए, खुदा के करीब लेकर आइए, यीशु मसीह के करीब लेकर आइए, वो चंगाई को प्राप्त करेगा, वो अभिषेक को प्राप्त करेगा, वो सामर्थ्य को प्राप्त करेगी, वो आशीष और चंगाई को प्राप्त करेगी। खामा बाबा रश खन ला राबा राबा ना ला राबा ला राधा बा ना ला राबा ला राधा बाबा बा रश खन ला राबा। मेरे प्रभु आज जितने भी बीमारी के हालत में भाई बहन बच्चे जितने भी है, प्रभु उनको मैं तेरे पास लाता हूँ, और उन्हें तू छंगाई दे, उन्हें तू छंगाई दे, उठाकर खड़ा की जहाँ जितने भी आईसीयू और कोमा में हैं, जिनका ऑपरेशन हो रहा है, जो अंतिम श्वास ले रहे हैं, जो मुसीबत में हैं, जो गंभीर हालत में हैं, प्रभु आज उन्हें उठाकर खड़ा कर दीजिए, उन्हें तू छंगाई दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए। चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आज यीशु मसीह नासरी के नाम में वो चंगाई को प्राप्त करे, वो अभिषेक को प्राप्त करे, वो सामर्थ्य को प्राप्त करे, वो आशीष को प्राप्त करे। खामा बा रश खाना ला राबा राबा नाला राथीना ला राधा बाबा नाला राबा ला राधा बा, यीशु के नाम में वो चंगाई को प्राप्त करे, अभिषेक को प्राप्त करे, वो सामर्थ्य को प्राप्त करे। मेरे प्रभु तू चंगाई दे, मेरे यीशु तू चंगाई दे, मेरे पिता तू चंगाई दे, मेरे खुदा तू चंगाई दे, और अभिषेक 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 से भर दे। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना, चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, प्रभु उन्हें उठाकर खड़ा कर, उठाकर खड़ा कर, बल दे, ताकत दे, सामर्थ्य दे, और प्रभु यीशु के नाम में वो चंगाई को प्राप्त करे, यीशु के नाम से। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना, जितने भी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, अंधकार की शक्तियों से ग्रसित है, जादू टोना भूत प्रेत की शक्तियों से पीड़ित है, प्रभु उनके अंदर से सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं खत्म हो जाए, अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से खत्म हो जाए। प्रभु तू दया कर, रहम कर, तरस खा मेरे खुदा। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना, जितने भी अनाथ और विधवाएं हैं, प्रभु यीशु के नाम में छू, मेरे पिता तू छू, और चंगाई दे, छुटकारा दे, अभिषेक से भर, सामर्थ्य से भर मेरे पिता। बाबा 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 रश खना ला राबा राबा ना ला रा थी ना ला रा दा बाबा ना ला रा बा ला रा दा बा ना ला रा बा ला रा बा बाबा बाबा, यीशु के नाम में वो चंगाई को प्राप्त करे। जितने भी निसंतान है प्रभु, उन्हें संतान दीजिए मेरे प्रभु, संतान दीजिए, संतान की आशीष दीजिए, गर्भ का प्रतिफल दीजिए मेरे खुदा। उनके तरस को देखिए प्रभु, उनकी तड़प को देखिए मेरे प्रभु, उनको ऊपर रहम कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, और पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दीजिए इस साल में। पिता परमेश्वर किसी भी हालत में तू आशीष दे, आशीष दे मेरे खुदा। जो भी गुप्त बीमारी, जो भी तकलीफें, जो भी टेंशन है, जो भी चिंताएं, प्रभु यीशु आप दूर कीजिए, और चंगाई को
दीजिए मेरे खुदा, चंगाई दीजिए प्रभु। तेरा वचन कहता मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। प्रभु चंगाई दीजिए और उन्हें संतान की आशीष दीजिए। जितने भी बहने प्रेगनेंसी में जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे प्रभु, आशीषित रहे और समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु आप दया कीजिए, आप तरस खाइए मेरे खुदा। हाँ मेरे पिता, आपने प्रार्थनाओं को सुना। आज जितने भी पिता परमेश्वर मुसीबत में है, चाहे वो बीमारी के मुसीबत में हो, चाहे वो कर्ज के मुसीबत में, प्रभु उन्हें छुटकारा दे। प्रभु तू दया कर, रहम खा, तरस खा मेरे प्रभु, यीशु के नाम से हालेलुया। पिता परमेश्वर आज जितने भी कर्ज में है, बेरोजगारी के सामने पिता परमेश्वर झुके हुए, प्रभु यीशु के नाम से वो बेरोजगारी खत्म हो जाए। बेरोजगारी के नीचे जो दबे हुए हैं, कर्ज के नीचे जो दबे हुए हैं, उन्हें बाहर निकाल, उन्हें बाहर निकाल, दबे हुए कुचले हुए लोगों को बाहर निकाल मेरे खुदा, यीशु के नाम से आजाद कर दे। सब प्रकार के कर्ज से, सब प्रकार की मुसीबतों से, सब प्रकार की तकलीफों से, सब प्रकार के कर्ज से आजाद कर दे। और विशेष करके परमेश्वर जो एग्जाम्स दे रहे हैं, ओ पिता परमेश्वर स्टडीज कर रहे हैं प्रभु, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, प्रभु यीशु के नाम से उन्हें सफलता ही दे। प्रभु तू दया कर, रहम कर, ओ परमेश्वर पिता देश विदेश के लिए रास्ता खोल दे मेरे पिता, देश विदेश के लिए रास्ता खोल दे। वो देश विदेश में जाकर प्रभु वो सेवा करे, और पिता परमेश्वर जॉब करे, बिजनेस करे, प्रभु आपकी महिमा करे। पिता उनको कर्ज से आजाद करते। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं प्रभु, विशेष करके बच्चों को सफलताएं दे, उनका अच्छा और सुनहरा और उज्जवल भविष्य होने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु तू दया कर, रहम कर, तरस कर प्रभु। जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु, उनमें टॉपर कीजिए प्रभु, टॉपर कीजिए मेरे खुदा। उनके लिए रास्ता खोल, स्वर्ग का रास्ता खोल, आशीष का रास्ता खोल, सफलताओं का रास्ता खोल मेरे प्रभु, तू दया कर। हाँ मेरे पिता अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी जॉब करे प्रभु प्रमोशन दे, जितने भी बिजनेस करे उनका बिजनेस विस्तार में बढ़ता जाए। हमारे खेतीबाड़ी करने वाले किसान भाई बहनों को आशीषित कर, उनके फसलों को आशीषित कर, विशेष करके तेरे दासों को हिम्मत दे प्रभु, विपरीत परिस्थितियों में, सत्ताओं में उन्हें हिम्मत और हियाब दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। अभिषेक 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 उतरने पाए, और दुनिया के कोने कोने में आपका वचन फैलाने के लिए तू मदद कर प्रभु। पिता परमेश्वर झोपड़ी में रहकर जो सेवा करते हैं, जंगल में, नगर में रहकर जो सेवा करते, उन्हें हिम्मत की आत्मा दे, सामर्थ्य की आत्मा दे मेरे खुदा। हाँ मेरे पिता अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी कोर्ट अदालत केस में फंसे हुए प्रभु, उन सबको आजाद कर दे, आजाद कर दे। घर परिवार में से सब प्रकार के जादू टोना भूत प्रेत की शक्तियां खत्म हो जाए। विशेष करके उन जवानों के जीवन को बदल दे, उन भाई बहनों के जीवन को बदल दे जो नशा करते हैं प्रभु, उनसे उन्हें छुटकारा दे, उनसे उन्हें तू चंगाई दे प्रभु। तू दया कर, घर परिवार में से सब प्रकार का पाप, सब प्रकार के नशा, सब प्रकार के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, बुराई, सब कुछ खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु तू तरस खा, प्रभु तू रहम कर, प्रभु तू दया कर, जवानों को बचा ले, भाई बहनों को बचा ले जो नशा करते हैं, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं अपनी पत्नी से, बच्चों से, मम्मी पापा से, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, भाई बहनों से जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर जो बहनें लड़ाई झगड़ा करती, उनके जीवन को बदल दे, उनके मनों को बदल दे। किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना करे, आपस में प्रेम करे, आपस में पिता परमेश्वर समझौता करे, पति पत्नी के बीच में प्रेम रहे प्रभु यीशु के नाम से। जवानों के जीवन को बदल दे जो मोबाइल को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु, गेम खेलते हैं प्रभु पूरा दिन भर, और वो बातों को नहीं मानते, उनके मनों को, जीवन को चेंज कर दे। जवानों के बच्चों के जीवन को बदल दीजिए यीशु के नाम से। और जो जवान शादी लायक हैं प्रभु, का शादी होने के लिए प्रार्थना करते, उनके लिए प्रबंध कर, व्यवस्था कर, तेरे डर और भय में जीवन बिताने वाले बने, और प्रभु आपकी महिमा के लिए खड़े कीजिए। पति पत्नी मिलकर प्रभु आपकी सेवा करे, आपकी महिमा करे। और विशेष करके जो घर बना रहे हैं, उनका घर कंप्लीट हो प्रभु, पैसे कौड़ी का प्रबंध कर। इस रात्रि को तेरे हाथों में समर्पित करते, जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन है वो सुरक्षित रहे, और जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें मीठी नींद प्रदान कर। और पिता परमेश्वर जिन्हें बुरे सपने, डरावने सपने आते, यीशु के नाम से आंख से बंद हो जाए, और तू सपने और दर्शन से बातचीत कर, मीठी नींद देकर सुबह की रोशनी दीजिए। हाँ मेरे खुदा अपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते, तूने प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना, हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब्दी नाम से मांगते हैं, आमेन। धर्मी जन ने बोला
आमेन। मेरे प्रियो, प्रभु में बने रहें, विश्वास में बने रहें, प्रभु आपको छूकर चंगाई देगा, अपना अदृश्य हाथ बढ़ाकर छुएगा और आपका इलाज करके आपके घाव को चंगा करेगा। प्रभु में बने रहें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर रहे हैं ताकि आने वाली हर एक प्रार्थना आपके बीच में आती रहे और हम सब मिलकर रोज दिन प्रतिदिन प्रभु में आगे बढ़े, चंगाई और छुटकारों को प्राप्त करें, अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रभु में बने रहें। सबको जय मसीह की।